हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम रीमन स्टेबलाइज्ड जो थ्योरम है उसका पार्ट सेकंड लेके आए हैं। इस थ्योरम में हमें क्या प्रूव करना है कि एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है और मैं इसको बहुत ही सिंपल तरीके से प्रूव करूँगा। देखियो, हमारा मेन टारगेट क्या होगा, हमें क्या प्रूव करना है। मोनोटोनिक फंक्शन तो बोले, आपको मोनोटोनिक फंक्शन के बारे में पता होगा ना। अगर वो नहीं पता तो पहले वो चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है और उसका मैंने बस स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है और पूरी रियल मैंने पहले ही करा रखी है, जिनके लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। 100 से भी ज़्यादा वीडियो हैं, 150 वीडियोज़ हैं। तो देखिए, हमारा टारगेट क्या होगा कि रीमन इंटीग्रल प्रूफ करना है। तो देखिए, रीमन इंटीग्रल प्रूफ करने के लिए जो नेसेसरी एंड सफिशियंट रिजल्ट है, एक थ्योरम है, वो क्या है कि जो अपर पीएफ होता है, अपर पार्टीशन माइनस लोअर पीएफ की जो वैल्यू होती है वो लेस देन एप्सिलॉन होती है। अगर ये चीज़ हम प्रूफ कर देते हैं कि हमारा टारगेट है, तो हम अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या बोला, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन, यानी कि फंक्शन हमारा मोनोटोनिक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो देखिए, प्रूफ में आपको क्या लिखना है, लेट द फंक्शन एफ इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, ये बोल देते हैं साथ ही साथ अपनी सुविधा के लिए। ठीक, उन्होंने मोनोटोनिक बोला था आपको, ठीक है, मोनोटोनिक तो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो हमने मोनोटोनिक इंक्रीजिंग ले लिया है। ऑन इंटरवल भी ले लो, ऑन क्लोज इंटरवल ए भी। ठीक है, तो जब हमारा फंक्शन इसके अंतर्गत बिलोंग कर रहा है, तो हम इसके अंदर एक क्या बना सकते हैं, एक पार्टीशन बना सकते हैं। देखो, ये चीज़ है हमारे पास, हम बोल रहे हैं हमारा पास क्लोज इंटरवल ए टू बी है, ये हमारा एक्स जीरो ए हो जाएगा, ये एक्स एन हमारा बी हो जाएगा। सपोज़ करो ये हमारे पास फॉर्म ऐसा कुछ है, ठीक है, ये कुछ फंक्शन है हमारे पास जिसमें सबसे स्मॉलेस्ट सुप्रीमम और सबसे इन्फीमम जो वैल्यू है, ये चीज़ है, और इसके बीच आप सब इंटरवल बहुत सारे बन सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हो, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, ठीक है, ऐसे चल रहा है बीच में, ठीक है, इनके बीच का इंटरवल भी हम निकाल सकते हैं। आपको पता ही होगा जो डेल एक्स आर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स आर माइनस वन, इसका भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और हमारा टारगेट क्या है, ये चीज़ है, फंक्शन के रूप में डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन, पार्टीशन हम क्या बोल देंगे, पी, किस रूप में है कि एक्स जीरो की वैल्यू ए है, फिर एक्स वन है, फिर एक्स टू है, फिर एक्स एन इसका टू किसके बराबर है, बी है। ठीक है, पार्टीशन है ऑफ किसका, इस इंटरवल का, सच दैट, ये जो लाइन में लिख रहा हूँ यही इसका सबसे मेन पॉइंट है, सच दैट हम ये बोल रहे हैं जो लेंथ ऑफ इंटरवल होगी ना, इनके बीच की जो लेंथ है, इसके बीच की जो लेंथ है वो मैं क्या बोलो, सच दैट द लेंथ लेंथ ऑफ सब इंटरवल इज लेस देन यानी कि लेस देन किससे है, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, ये इसका की वर्ड पॉइंट है। यही चीज़ मैंने क्यों लेट किया अभी आपको पता चल जाएगा, अगर ये चीज़ आप लेट नहीं करोगे ना तो ये रिजल्ट आपको दिन भर सॉल्व करते रहोगे, नहीं मिलने वाला, तभी मैंने ऐसा किया है। ठीक है, आई बस समझ में, ठीक है। अब हम ये भी बोल दो कि इस पॉइंट पे हमें सुप्रीमम मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें इन्फीमम मिल रहा है, ये तो बात सही होगी, तो हम बोल देंगे लेट द सुप्रीमम एंड इन्फीमम वैल्यू ऑफ द सब इंटरवल एक्स आर माइनस वन एक्स आर इज एम आर, एंड ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये चीज़ है, यानी कि
इट्स कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन एक्स आर है वो कैपिटल एम आर के बराबर है, और जो फंक्शन हमारा एक्स आर माइनस वन है वो स्मॉल एम आर के बराबर है। ठीक नाउ अब आ जाओ मेन मुद्दे पर। अब आ जाएंगे हम अपर पी एफ माइनस लोअर पी एफ। फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक कैपिटल एम आर डेल एक्स आर माइनस समेशन आर की वैल्यू वन से लेकर एन तक स्मॉल एम आर डेल एक्स आर। जो कॉमन है वो निकाल दो, आर की वैल्यू वन से लेकर डेल एक्स आर कॉमन है और अंदर आ जाएगा आपका एम आर माइनस स्मॉल एम आर। ठीक, इसकी जगह पर हमें क्या रख सकते हैं, ये चीज़ लेस देन बोला यानी कि लेस देन का साइन होगा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यह चीज़ आ जाएगी एप्सिलॉन अपॉन एफ पी माइनस एफ ए। और ये चीज़ क्या है, डेल एक्स आर है। डेल एक्स आर अगर समेशन को पुट करोगे, आर की जगह पर वन रखोगे तो यह आएगा डेल एक्स वन डेल एक्स टू ऐसे ही लास्ट में डेल एक्स एन। ठीक, ये चीज़ आएगी। अब आगे सॉल्व करो इसको, डेल एक्स एन वन ये चीज़ तो ऐसे ही है एफ बी माइनस एफ ए, अंदर सॉल्व करो। इसका मतलब होता है एक्स, चूँकि मोनोटोनिक फंक्शन है तो इसका मतलब एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स जीरो, फिर एफ एक्स टू माइनस एफ एक्स वन। खोल देंगे फॉर्मूले से, देखो इससे ये टर्म कटा और लास्ट में क्या जाएगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स एन माइनस वन। तो सारे अल्टरनेट टर्म कट जाएंगे, सिर्फ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा ई एफ बी माइनस एफ ए और अंदर आ जाएगा एफ एक्स एन माइनस एफ एक्स जीरो। एफ एक्स एन का एन एक्स एन की वैल्यू कितनी है, पी है, एक्स जीरो की वैल्यू कितनी है, ए है। तो देखो क्या आ जाएगा ए, ये चीज़ तो ऑलरेडी है ही है, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा एफ बी माइनस एफ ए। तो यहाँ क्या बचा एफ साइलोन, और इधर क्या चल रहा था अपर पी एफ माइनस लोअर पी एफ इज लेस देन एफ साइलोन। जो हमारी नेसेसरी इन सफिशेंट कंडीशन होता है, जो हमारा आइडियल कंडीशन होता है वो हमने प्रूव कर दी है। सो बाय आइडियल कंडीशन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लिख देंगे, एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इज रीमन इंटीग्रेबल।